हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल डायरी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आपने देखे है रोहतांग पास, जो बहुत ही खूबसूरत और सबसे फेमस हिल स्टेशन में से जाना जाता है। सो मैं दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रोहतांग से अटल टनल, और आपको मैं दिखाऊँगा ब्यूटीफुल नज़ारे। आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, और अटल टनल का नाम तो आप सुने ही होंगे, इतना खूबसूरत और ये वर्ल्ड फेमस टनल में से एक है। दोस्तों आप देख सकते हो इतना खूबसूरत नज़ारा, और इतनी ठंडी हवाएं चलती है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवाएं चलती है, और आप देख सकते हो जगह जगह पे वाटरफॉल, छोटे छोटे झरने, और कहीं तो बर्फ जम चुका है, और बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है। दोस्तों अभी मैं रोहतांग पास से आ रहा हूँ। रोहतांग पास से जब मैं मनाली से निकला था, मनाली होते हुए रोहतांग आया था। रोहतांग में हमने एक्टिविटीज़ किए काफ़ी सारी, और खूब इन्जॉय किए। उसके बाद में हम रोहतांग पास होते हुए अब जा रहे हैं अटल टनल। तो दोस्तों अटल टनल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अटल टनल 9 किलोमीटर दूर किलोमीटर लंबी सुरंग है, और जो 10,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित है, जो इस विश्व से लंबी राजमार्ग सुरंग में से प्रमाणित किया गया है। अटल टनल दोस्तों रोहतांग दर्रे की पश्चिम एक पहाड़ को काटकर गुजरती हुई एक सोलांग घाटी तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है, जो जिसे पूरा कवर करने के लिए लगभग 15 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों आप जैसे रोहतांग होते ही आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू और आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। ऊँचे ऊँचे पहाड़ और बर्फीले पहाड़, वाटरफॉल्स, और खूबसूरत छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगी। आप रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं, और खाने के लिए जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह, आपको बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कैफेज आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप जैसे रोहतांग का क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको पार्वती वैली होते हुए आपको एक पुष्कर विलेज पड़ेगा, जहाँ पर एक पुलिस चौकी है। तो सारे वहाँ पे जो वाहन सारे हैं, जो सिसु की तरफ से या सोलांग वैली तरफ से, तो वहाँ से सारे वाहन को चेक किया जाता है, सारे बाइक, और उसके बाद में ही आपको लद्दाख रूट और रोहतांग के लिए जाने के लिए आपको अप्रूवल मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टे के लिए भी है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, तो वहाँ पर आप आराम से स्टे कर सकते हैं और ब्यूटीफुल व्यूज़ का आप मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ लीजिए आप खूबसूरत व्यू और नज़ारों का मज़ा, और ठंडी ठंडी वादियों का मज़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और मनाली से संबंधित जो भी प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा। I'm the last one to die.